राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सोमवार को विपक्ष का बिहार बंद है। आरएलएसपी के इस बंद को महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने समर्थन दिया है। सोमवार की सुबह बंद समर्थक सड़कों पर निकल आए। दिन चढ़ने के साथ बंद का असर गहराने लगा। आज के बंद को लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर हैं। बंद समर्थक जगह जगह सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। हालांकि कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। वहीं पटना, आरा, नालंदा, सुपौल, कटिहार और बक्सर समेत पूरे बिहार में बंद समर्थक सड़कों पर हैं। कटिहार में पूर्व मंत्री और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पटना के हड़ताली मोड़ और बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक पर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आगजनी की। आरएलएसपी के बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना के हड़ताली मोड़ पर पुराने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत 2 तारीख को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और इस कुशासन की सरकार माननीय नीतीश बाबू और सुशील मोदी के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी और सैकड़ों कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गए और अभी भी जो है कि अस्पताल में भर्ती है। उसको लेकर के रालोसपा ने आज बिहार बंद करने का काम किया, जिसको हम लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार, महागठबंधन का पूरा परिवार उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों भोजपुर, बक्सर, नालंदा और सुपौल में भी बंद समर्थकों का प्रदर्शन देखा गया। पटना के हड़ताली मोड़ और डाक बंगला चौराहा पर बंद समर्थक जुटे। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत जिले में जगह जगह बंद समर्थकों ने नारेबाजी की। आरा में बंद समर्थकों ने जगदीशपुर के नायका टोला मोड़ के पास आरा मोहनिया एनएच को जाम कर दिया। पूर्णिया में बंद को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता समर्थक भी सड़कों पर दिखाई दिए। लखीसराय में भी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लखीसराय में शहीद द्वार के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं मधेपुरा में बंद समर्थकों ने कॉलेज चौक को जाम कर दिया। किशनगंज में आरजेडी ने बस स्टैंड के समीप NH 31 को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले पर आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे ने क्या कहा, सुनिए। एक गुंडागर्दी की सरकार जो नीतीश कुमार की है, ये जो है विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमला कर रहा है। संसदीय लोकतंत्र में हर पार्टी को राज्य की समस्या के समाधान के लिए प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। दरअसल 2 फरवरी को पुलिस ने जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होकर राजभवन जा रहे आरएलएसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया था। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने पहले पानी की बौछार का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी चार्ज के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी घटनाक्रम के विरोध में आज ये बंद बुलाया गया। इसके खिलाफ पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया। वहीं